सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियोज़ एंड नमस्ते फ्रॉम पहाड़। मैं हूं आपका पहाड़ी दोस्त सुरजीत और एक बार फिर से पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में आपका स्वागत है। और सुबह के बज चुके हैं 11 और हम आए हैं खेत में भीमल लेने, है ना। तो एक्चुअली आज काफ़ी ठंड भी है, मौसम थोड़ा ख़राब है और बारिश आने की संभावना है। और अक्सर हमारे पहाड़ में देखा जाता है कि ये नवंबर लास्ट है, तो अब अगर बारिश होती है तो हमें बर्फ़ का सामना भी करना पड़ेगा, इसलिए हमें काफ़ी चीज़ें स्टोर करके रखनी पड़ती है, जैसे कि लकड़ी हो गई, गाय और बैलों के लिए घास हो गया और ये भीमल जैसे जो भी ये हमारे काम आते हैं बैलों के, हम उसे स्टोरेज करके रख लेते हैं ना। तो आज मैं आया हूँ खेत में और आप देख सकते हैं आसपास का व्यू, हमारे खेत कैसे होते हैं उत्तराखंड में। ये वो सारी होती है, जैसे हमारे गाँव में ना 2-3 सारियाँ होती है। सारियाँ मतलब जैसे गांव होता है, गांव के एक छोर में अनाज बोते हैं हम लोग, है ना, और दूसरी साइड जो होती है वो खाली होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सारी, है ना। तो सारी तो समझ आ गया होगा, है ना। और हम आए हैं यहाँ पे भीमल लेने और एक्चुअली आज मौसम भी ख़राब है तो शायद सब बारिश होगी। और आसपास का व्यू आप देख सकते हैं, पहाड़ का व्यू कैसा होता है, ठीक है। ये सारे चीड़ के पेड़ हैं और वो तोड़ कर डालें, ठीक है। और नीचे घर है, कुछ मकान है नीचे जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, एंड भिटकोट गांव है वो भी, ठीक है। ये भी है तोड़ का पेड़ और वो उधर गांव दिखाऊं मैं आपको, तो वो मासू रोड है और ये है डाबर गांव, एंड उधर है डुमलोट गांव, आई थिंक आपको दिखाई दे तो, ठीक है। और अब हम काटेंगे यहाँ से भीमल। सबसे पहले मैं आपको भीमल दिखा देता हूँ कैसे होता है ना। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा होता है भीमल, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं इसके यूजेस बता देता हूँ आपको। इसके यूजेस होते हैं, एक तो ये हमारे गाय और बैलों के लिए घास का काम भी आता है ना, और दूसरा एक काम आता है इसकी, ये जो बारीक सी एक अलग से कल है ना, ये निकल जाती है बाहर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ये काम आता है शैम्पू बनाने का, ठीक है। आप जब कभी भी उत्तराखंड आओ, और यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, तो शायद आपको पता होगा कि जो भीमल का पेड़ है उससे लोग अपना शैम्पू का काम करते और अपने बालों पर लगाते हैं, नहाते टाइम सर धोते हैं इससे, है ना। तो ये तो हो गया इसके यूजेस। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको काटते हैं, ठीक है। ये है, एंड इसका एक यूज़ ये भी है कि यदि आपके सर पे जुएं हैं या डैंड्रफ है, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप जब चाहें अपना उत्तराखंड आके इसे यूज कर सकते हैं, ये ऑलवेज आपको मिल जाएगा, यानी कि ये 12 महीने रहता है ना, ये चीज़ तो क्लियर है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें यहाँ के आसपास के, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम भीमल काट लेते हैं, जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं। एंड ये है दोस्तों भीमल का पेड़, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। यदि आप उत्तराखंड आओ और आपको पहचानना हो तो ये है, ठीक है, ध्यान से देख लो इसे कैसा होता है। और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके, आगे दिखाऊँगा मैं आपको। ये भी सेम लाइक उसी का पेड़ है, और ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी उसी का पेड़ है ना। तो मैं इसके यूजेस तो आपको बता चुका हूँ कि क्यों काम आते हैं, कैसे काम आते हैं। और अब हम इसकी थोड़ा बहुत कटाई करके इसको घर लेके जाने वाले हैं ना। तो चलिए अब मैं काटता हूँ इसे। एंड दोस्तों इसका जो हम चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, इसे अपने गाय और बैलों को देते हैं, भैंस को भी देते हैं, तो इसकी ना ये डंठल है ना, जो ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, तो इसकी हम पत्तियां अलग करते हैं और ये जो डंठल है पूरा डंडी टाइप का जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, इसे अलग से निकाल देते हैं। और ये फिर किसी काम का नहीं आता, ये सिर्फ काम आता है, तो इसकी बाहर का जो अलग से निकलता है, अब जो मैंने आपको पहले बताया था अलग से, उसका हम बालों पर लगा के अपना आराम से डैंड्रफ और जुए मिटा सकते हैं ना। तो ये होता है इसका यूजेस, क्या।
हाँ तो दोस्तों, एक पेड़ की कटाई हमने कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले भीमल के पेड़ पे, है ना। तो आइए मेरे साथ और काटते हैं कुछ थोड़ा गढ़वाली अंदाज में, है ना। हाँ दोस्तों, तो आधा हम काट चुके हैं और आधा हम काटेंगे दूसरे खेत पे, है ना। तो अब हम जा रहे हैं इस खेत के, हमने काट दिया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर, है ना। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारा उत्तराखंड पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, आपको हमारा उत्तराखंड कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि मैं आपको और भी डिटेल से अपने उत्तराखंड के बारे में जानकारी दे पाऊँ। और अभी ये है वो पेड़ जिसकी मैं कटिंग करने वाला हूँ, ठीक है, भीमल की। और इसी के ऊपर ये जो आपको वायर दिख रही है, ये वायर, ठीक है, आई थिंक आपको दिखाई दे रही है, हाँ वो वाली, ठीक है। तो ये वायर पे ये डंडा लगाया हुआ है, एक्चुअली काफ़ी टाइम से इसका काम नहीं हुआ था, तो वो जो डंडा दिखाई दे रहा है ना आपको, वो वायर से कनेक्ट है ताकि वो दोनों आपस में मिल ना पाए, है ना। तो अभी मेरे को यहाँ पे बड़े सावधानी से काम करना है, और कुछ लोग उधर भी हैं घास लेने आए हैं हमारे गांव के। और अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, करीब आधा पौना घंटा तो मेरे को हो ही गया यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं घर, ठीक है, इसको काम ख़त्म करने के बाद हम चले जाएँगे सीधे घर। हाँ तो दोस्तों, करीब 12 बज चुके हैं और हमने काट दिया ये, और ये लेके जाने वाला हूँ मैं घर, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ घर, और आज की वीडियो बनती है इतने तक, ठीक है। और यदि आप YouTube पे मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ और अपना उत्तराखंड अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि हमारी जीवन शैली यहाँ पर कैसी होती है, ठीक है। और मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।